अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूट्यूब की 5 ऐसी कैटेगरी शेयर करने जा रहा हूं, जिन पर काम करके आप बहुत जल्दी यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूट्यूब पर चैनल बनाना बड़ी बात नहीं, बल्कि उस पर रेगुलर कंटेंट देना बड़ी बात होती है। दोस्तों, कुछ लोग देखा देखी चैनल ओपन कर लेते हैं और 10-15 वीडियो के बाद उनको पता नहीं चलता कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कैटेगरी बताने जा रहा हूं, उन पर काम करते हुए आपको टॉपिक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम जाए के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो कैटेगरी बताने जा रहा हूं, दोस्तों इन पर काम करके आप यूट्यूब पर बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं और अपना वॉच टाइम मुकम्मल करके आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है गेमिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर गेमिंग चैनल बनाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पर जो गेमिंग चैनल हैं उन पर जो वीडियो होती है वो 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक होती है। तो दोस्तों, इस तरह आपका वॉच टाइम बहुत ही जल्दी मुकम्मल हो जाएगा और आप बहुत ही जल्दी अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेंगे। इस तरह आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी चैनल कैटेगरी है, आपको उस पर पहले पहले बहुत ही मेहनत करना पड़ेगी। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी की बात कर लें तो वो है व्लॉगिंग। दोस्तों, इसमें भी आपको टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप कहीं शहर में जाते हैं, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं, या आप कहीं रिश्तेदार से मिलने जाते हैं या कोई चीज़ बाय करते हैं, तो दोस्तों आप इस तरह जो भी आप करते हैं वो आप अपनी वीडियो बनाएं और यूट्यूब पर अपलोड कर दें। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसे भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो दोस्तों, तीसरी कैटेगरी की बात कर लें तो वो है बॉडी बिल्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप बॉडी बिल्डिंग पर चैनल बनाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम चैनल हैं बॉडी बिल्डिंग के, एक या दो होंगे। अगर आप इस पर काम करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी पहले बॉडी बनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी नहीं बनी होगी तो लोग आपको नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो भी कैटेगरी आप फॉलो करें उसके लिए पहले पहले आपको मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी। तो दोस्तों, चौथी कैटेगरी की बात कर लें तो वो है एजुकेशन। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप फोटोशॉप में आप माहर हैं या आप और किसी चीज़ में महारत रखते हैं, तो आप लोगों को उसे सिखा सकते हैं। दोस्तों, ये जो लॉकडाउन हुआ है, इसके बाद लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। आप लोगों को सिखा सकते हैं और आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे आखिर वाली कैटेगरी की बात कर लें तो वो है न्यूज़ चैनल। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ चैनल बनाते हैं तो वो भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए आपको टॉपिक ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है और आप उस पर मुकम्मल तफसील से बात करके लोगों को बता सकते हैं। जैसे हकीकत टीवी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। दोस्तों, इस तरह आप अर्निंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 3-4 बंदों की टीम होनी चाहिए। एक बंदा न्यूज़ ढूंढे, एक बंदा उसे एडिट करेगा, एक बंदा इस तरह बोलकर बताएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप इसे भी बहुत जल्दी मोनेटाइज करवा सकते हैं और इस तरह आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।